दोस्तों सब बढ़िया होंगे। वेल दोस्तों, अभी हम जा रहे थे उज्जैन महाकाल के मंदिर, और अभी फ़िलहाल हम हैं रतलाम में, जो कि रतलाम से 2-2.5 घंटा दूर है, 2 घंटा 40 मिनट। और यहाँ पर ना सुबह ट्रेन रहती है 8 बजे की, इसमें हम अभी जाने वाले हैं, 7 बज रहे हैं अभी, और एक फिर आती है 1:30 बजे। ठीक है, तो हम मॉर्निंग में जा रहे हैं, तो वही नदी में नहाएंगे। ठीक है, तो चलते, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वॉइस ओवर होगा इस वीडियो में। ठीक है, चलते, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो। वेल दोस्तों, हम निकल गए थे 7 बजे रेलवे स्टेशन पे रतलाम के, और 8 बजे हमारी ट्रेन है। तो अभी ऑटो से हम गए, हम 12 लोग थे और एक दो बच्चे भी है। तो स्टेशन जा रही है रतलाम का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हमें करीब 20 से 30 रुपये की टिकट निकाले ट्रेन की उज्जैन के रेलवे स्टेशन तक, और फिर वहाँ से हम ऑटो करके जाएंगे। तो ये 8 बजे का टाइमिंग है, और एक दो बजे करीब आती है ट्रेन। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके मतलब कि कौन से दिन कितने बजे आ रही ट्रेन, और हमारी 5 प्लेटफॉर्म 5 नंबर पर आने वाली थी और ये आ गई थी। और हम जनरल डब्बे में बैठे थे, रिजर्वेशन नहीं रहता है। और ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन जो नज़दीक का है, और अगर आपके इधर से रेलवे स्टेशन दूर है, मतलब कि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है आपके इधर से, तो आप इंदौर पर उतर के इंदौर से बस से भी आ सकते हैं। और हम उज्जैन के रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर से हम शेयरिंग ऑटो से आए, जिसका पर पर्सन 20 रुपये है। और आप यहाँ से यहाँ की शुरुआत सुबह, अगर आप आओगे तो यहाँ पर सुबह पोहे का नाश्ता भी कर लेना, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, खाने से लेकर रुकने तक आप क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम जा रहे शिप्रा नदी, तो आप देख सकते हो यहाँ का मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह लग रही है, साफ ठीक था, फिर भी यहाँ बन रही है, बहुत सी मंदिरें भी बन रही है। तो राम घाट है जिससे जहाँ से शिप्रा नदी बहती है, शिप्रा नदी है, तो यहाँ पर स्नान हम करेंगे। और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने के बाद मंदिर जाना मतलब कि एक अच्छा शुभ माना जाता है। और आपको शिप्रा नदी के पास में ही बहुत सारे पुरानी बहुत प्राचीन मंदिरें भी देखने मिल जाती है। और यहाँ पर ये टीका जो लगाते हैं आपको पता ही होगा, और इसका जो प्राइस है मतलब 5-10 रुपये ही लेते हैं पर पर्सन का, और अगर आप ज़्यादा लोग रहेंगे तो आपको डिस्काउंट भी कर देंगे वो लोग। लेकिन ये चंदन का रहता है और कुकू का रहता है, तो आप ये लगा सकते हो। और महाकालेश्वर मंदिर है बस सामने, अभी यहाँ पर आप फूल वूल ले सकते हो, 50 रुपये 100 रुपये पर ऐसे मिल जाती है आपको टोकरी उसकी फूल की, नारियल की। और यहाँ चप्पल बाहर भी रख सकते हो और आप अंदर भी रख सकते हो, आप अंदर मतलब कि यहाँ फ्री है, कोई पैसे नहीं है। और यहाँ पर अगर आप जैसे गर्मियों में धूप में आ रहे हो तो आप टेंट भी लगे, और ये आप देख सकते हो महाकालेश्वर शिवलिंग। और अंदर वीडियो लेना मना है, तो वीडियो अंदर की ले नहीं सकते, और ये आपको प्लेस तो पता ही होंगी। और मंदिर की साधारण लाइन में आप लग के, अब अगर आप दिन में आ रहे हो तो ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, तो आपके आधा 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा रहती है तो 4 से 5 घंटे भी आपको लग सकते हैं लाइन में। और आप मंदिर के परिसर में बहुत अच्छी जगह है, तो आप यहाँ पर भी घूम सकते हो। प्राचीन यहाँ पर बहुत साल पुराने शिवलिंग भी है, जिसकी आप यहाँ पर बाहर पूजा भी कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा मंदिर है मंदिर के परिसर में भी, तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हो। अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप VIP एंट्री भी ले सकते हो, जिसकी टिकट आपको बड़े गणेश, यहाँ पर बड़े गणेश जी के मंदिर के पास मिल जाती है VIP टिकट, जिसका प्राइस 250 रुपये है। तो आपके जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और आप बड़े गणेश जी मंदिर भी जा सकते हो दर्शन करने के लिए। अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हो तो इसका समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक है। अगर आप निशुल्क भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो आप भारत माता मंदिर के पास उसका काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर आप फॉर्म भर के भस्म आरती में शामिल हो सकते हो। और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है। और आप राम घाट जाओगे तो आप शिप्रा नदी वहाँ से बहती है, जो शिप्रा नदी में आप बोटिंग भी कर सकते हो, बोटिंग का प्राइस 30 रुपीज़ है। और शिप्रा नदी आप शाम में दर्शन कर सकते हो, जहाँ पर रोज़ शाम 6 बजे उसकी आरती होती है, और वो भी देखने लायक होती है, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हो। जी दोस्तों, तो महाकालेश्वर था, है ना, कैसे लग रही है आपको वीडियो बने? आपके मंदिर के दर्शन होने के बाद आप महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है यहाँ पर, आप वो भी घूम सकते हो। भारत माता मंदिर भी है, आप भी घूम सकते हो, और ये रात में देखने लायक होता है। तो आप रात अगर एक दिन रुक रहे हो
तो यहाँ घूम सकते हो। अगर आपने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए 1 से 2 दिन का टूर बनाया तो आप यहाँ पर बहुत से प्राचीन मंदिर भी घूम सकते हो, जिसमें से काल भैरव जी का मंदिर भी आता है और यहाँ पर गढ़काली का मंदिर भी है जिसमें आप दर्शन कर सकते हो। कहा जाता ये है कि ये मंदिर की स्थापना महाभारत के समय में हुई थी और यहाँ पर भरतहारी केव्स भी है, यानी कि गुफा, जिसमें मंदिर भी अंदर गुफा में मंदिर है, शिवलिंग है और ये 2 गुफा है। तो आप यहाँ पर घूम सकते हो, अंदर पूजा भी कर सकते हो और यहाँ पर शाम में और उज्जैन में रुकने के लिए यहाँ पर महाकालेश्वर भक्त निवास भी बना हुआ है, जहाँ पर डोरमेट्री आपको 1300 से 2000 तक AC नॉन AC में उपलब्ध हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको प्राइवेट रूम लेना है तो आपको यहाँ पर 600 से 1000 तक पर डे का आपको रुकने का चार्जेस होता है। और यहाँ पर आपको नाइट मार्केट में भी आप घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ पर खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको 60 रुपये थाली से 100 रुपये थाली मिल जाती है। आपको कैसा लगा ब्लॉग? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।